अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इस जन्म का मेरा पहला शिकार। अरे बेचारी मेरी इच्छा, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा उसे घर के बाहर कैसे निकालूं। मैं सबल बोल रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं थारा मौसा बोल रहा हूं। थारे घर के बाहर जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूं। सबको वहां लेके और मुझे वहां से बाहर निकाल जल्दी। अरे सांप आ जाओ, मिल गया। भैया रुक जाइए, रुक जाइए। सफेद नाग की आत्मा बड़ी पवित्र होती है, उन्हें पकड़ने से या मारने से ना पाप लगता है, पाप। आप लोग सब जाइए यहाँ से, मैं इस नाग को खिड़की से छोड़ के आता हूँ, ये चला जाएगा। ठीक है, जाओ। थैंक गॉड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बबल अंदर अकेला है नाग के साथ। उसने कहा कि नाग जहरीला नहीं है, लेकिन अगर वो जहरीला निकला तो, अगर उसने जासूस लिया तो। शुभ शुभ बोल चंचल, शुभ शुभ बोल। शिवजी करे ऐसा कुछ भी ना हो। दादी ये सब इच्छा का किया धरा है, खुद तो वो सांपों की दीवानी है ही, बब्बल को भी सांपों का दीवाना बना दिया उसने। अरे मैं तो कहता हूँ आने दो उस नाग को, जैसे ही वो बबल को चकमा देके बाहर आएगा ये प्रबल उस पे बरस पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इस पौधे से जान छूटी है, अब दोबारा इसके करीब जाने का खतरा नहीं उठा सकती। इच्छा तू अंदर थी ना, ये नाग के धमा चौकड़े में हम तेरे बारे में तो पूछना ही भूल गए। एक मिनट अम्मा जी, इच्छा अगर अंदर थी तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? दादी वो मैं वॉशरूम में थी, मैं आपकी और बब्बल जी की सारी बातें सुन रही थी। मैं जानती हूँ बब्बल जी की बातें, उनका बर्ताव देखकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जी वो नागों को पकड़ना मारना वगैरह ये सब मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए वो। अरे वो सब तो ठीक है छोरी, लेकिन बब्बल नागों के बारे में जानता ही क्या है, और वो नाग बब्बल जिसकी तरफदारी कर रहा है वो मन ने घना जहरीला लग गया है। माँ मन ने पक्का यकीन है बब्बल के छोड़ने के बाद भी वो नाग घर के आसपास ही रहेगा। अरे फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पिताजी। अरे कोई मुश्किल ना होगी छोरे, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। मैंने इस सर्प पौधे के पत्तों से ये मालाएं बनाई, इसको गले में डालने से वो नाग आसपास नहीं भटकेगा। लेकिन पिताजी आपका मतलब है ये माला 2400 घंटे पहननी है, और घर से बाहर जाते वक्त भी? नहीं नहीं, घर से बाहर जाते वक्त इसको पहनने की जरूरत ना है, लेकिन घर में इसे पहनकर रहना पड़ेगा सबको। लेकिन पिताजी नाग इतने भी खतरनाक नहीं होते। इच्छा तू और बबल हमारी हर बात काटने पे तुले हुए। इच्छा जा बबल को ले आ। बबल जी। अरे इच्छा ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये क्या है? सेफ्टी बॉक्स। मतलब तुम इसे सुरक्षा कवच भी कह सकती हो। आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि घर के हालात ठीक नहीं है, तुम मुसीबत में आ सकती हो, तो तुम तुरंत नागिन बनकर इस बॉक्स के अंदर चली जाना। तुम सुरक्षित भी रहोगी और मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ भी पाऊंगा। बबल जी आपने इसे बनाने में देर कर दी। मतलब मेरे इस घर से जाने के दिन आ गए हैं। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पिताजी ने पौधों की कुछ मालाएं बनाई है, कह रहे सबको पहननी होगी, आपको भी बाहर बुलाया है। क्या? अरे अगर तुमने वो माला पहन ली तो। बबल, बबल, इच्छा। बबल, क्या हुआ बबल जी? कम से कम दादी को तो जवाब दीजिए। इच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। आप पहले बताइए तो सही, आप करने क्या वाले, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तुम जाओ इच्छा, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं बब्बल जी मैं कैसे,
मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे वो माला पहननी पड़ेगी, और आप जानते हैं उसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जाओ। खड़ाक इच्छा, आ जा, तू भी यहाँ खड़ी हो जा, हार पहन ले। आ जा छोरी, जल्दी आ और ये माला पहन ले। चल इच्छा, अपनी सांस को रोक ले। शाबाश। ले। बहन छोरी, नागी देवी की जय हो, नागी देवी की जय हो, नागी देवी की जय हो। ये सब क्या है? साक्षात्कार दादी। सत्कार? अरे किसका सत्कार करा रहा है यहाँ? आई प्लीज, अभी नहीं। हाँ अभी वैसे घर में बहुत ड्रामा चल रहा है, पहले मुझे वो तो समझने दो। अरे बब्बर, ये सब साक्षात्कार हुआ है मुझे पिताजी, नागी देवी का साक्षात्कार। नागी देवी? ये नागी देवी है कौन? नागों की देवी माँ, सर्वशक्तिमान, दयावान। वो अभी अभी मेरे सपने में आई, और आपको पता है दादी उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, हे बालक, क्योंकि तूने एक पवित्र नाग की रक्षा की है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, और आज तेरी बीवी के रूप में आकर मैं तुझे दर्शन दूंगी, आशीर्वाद दूंगी बालक। दादी इसलिए मैं इच्छा की पूजा कर रहा हूं। छोरा के पागलपन है, ऐसा भी कभी होवे? हुआ है दादी, मेरे साथ हुआ है, लेकिन आज तक मैंने नागी देवी का नाम नहीं सुना। हाँ मैंने भी ना सुना। अरे भाई तू सुनता कब है जो आज सुनेगा? ए माँ, नागों की देवी का नाम इंसान क्यों सुनेंगे? उसके नाम से मुझे कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन एक बात मारी समझ में ना आ रही, नागों की देवी इच्छा का रूप लेके क्यों आएगी? अरे ओ बब्बल, कहीं तेरी बीवी नागिन वागिन तो ना है? अरे बोल ना, बोल 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 बोल। नहीं नहीं पिताजी, इच्छा कैसे नागिन हो सकती है? अगर वो नागिन होती तो इस माला की खुशबू का असर होता ना उसपे, और असर होगा भी कैसे? अच्छा, इस धूप की खुशबू माला की खुशबू से ज्यादा तेज है। तुम्हारा पति कितना होशियार है ना। हाय हाय अम्मा जी, मेरा छोरा कहीं पागल तो नहीं हो गया? देखो ना, इच्छा को देवी समझकर उसकी पूजा कर रहा है, कल वो अप्सरा समझेगा, उसे नचाएगा, परसों से। अरे अम्मा, बबल इच्छा को कैसे बचाएगा और किससे बचाएगा? ओ, इच्छा को कुछ होने वाला है, लेकिन ये आपको कैसे पहले पता चल गया? कुछ ज्योतिष वोतिष सीख लिया आपने? मुझे बताए ना। चुप कर, ये माँ बेटे ने दोनों ने बीड़ा उठा के रखा है दिमाग का गुड़ गोबर करने के लिए। चुप रहो तुम दोनों। अरे पति बीवी का गुलाम बन जाए समझ में आता है, लेकिन भक्त बन जाना ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, आपको मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन मेरे लिए इच्छा ही नागी देवी है। नागी देवी की जय हो, नागी देवी की जय हो। ये अप्पू को क्या हुआ? ये मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? अब तुझे क्या हो गया? साक्षात्कार मम्मी, साक्षात्कार। अरे कब हुआ? अभी खड़े खड़े
अरे नहीं पापा, मुझे तो कब से सपने आते थे, और मैं बेचारा बच्चा कुछ बोला नहीं, छोटा सा नन्ना सा मासूम सा बच्चा, दिल का सच्चा पर उम्र में कच्चा। अरे मेरी बात पर कौन विश्वास करता, आज चाचू ने बोला तो नागी देवी मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस बार स्कूल में टॉप करूं, टॉप। अरे छोरे, इस खानदान में ये पॉसिबल ना है। हे भगवान, मारे बच्चों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। बबल, ये पागलपन बंद कर दे। ठीक है दादी, वैसे ही मेरी पूजा खत्म हो चुकी है। इच्छा, मेरा मतलब है नागी देवी, दुख की बात यह है कि किसी को भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। आप चलिए यहाँ से, मैं आपको मेरे सपने के बारे में बताता हूँ। जय हो नागी देवी की, जय हो नागी देवी की, जय हो नागी देवी की। ये बबल तो पागल हो गया बीवी के प्यार में। बच गई बबल जी, आप तो कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो, आप तो चंदन का पेड़ हो। लिपटने का मन कर रहा है आपसे। क्या तरकीब निकाली आपने? अरे जाने मन, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, ये दिमाग उड़ाना कौन सी बड़ी बात है। क्या हुआ बब्बा जी? तुमने अप्पू को देखा? हाँ, वो भी मेरे झांसे में आ गया। सच में तुम्हें नागी देवी मान बैठा, बेचारा बहुत बोला है। बब्बल जी, आप जिसे बोला समझ रहे ना, वो आपसे भी तेज है। क्या मतलब? मतलब आपसे पहले उसने मेरा सच पकड़ लिया था। अप्पू को सब कुछ पता है। क्या पता है? यही कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? कब से? जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से। का बच्चा, उसने कभी मुझे नहीं बताया। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, जी जान से मेरा राज राज रखा है उसने, और पता है कई बार मदद भी की है उसने मेरी। अच्छा। अप्पू रुक जा, पहले माला फेंक। यार अप्पू मेरा। अच्छा तो अब चाचू को भी पता चल गया कि तुम। मुझे तो अभी पता चला, लेकिन तू तो पहले से ही जानता था ना, तूने कभी मुझे कुछ बताया नहीं। हाँ, अरे वैसे तो दिन भर चाचू चाचू करते रहता है। अरे चाचू कैसे बताता, इच्छा आई मीन चाची के साथ डील जो हुई थी मेरी। अरे अप्पू बता देता तो अच्छा होता ना, खामखा तूने अपने सीधे साधे चाचू को एक नागिन के साथ फंसा दिया। ओहो, तो आप मेरे साथ फंसे हुए हो? हाँ, फंसा हूँ ना तुम्हारे प्यार में। अच्छा बबल जी, आज तो मैं बच गई, लेकिन जब तक पिताजी अपने आप को सपेरा समझते रहेंगे, ऐसे संकट आते रहेंगे, हमें सबसे पहले तो उनके दिमाग से ये सारी बातें निकालनी होगी, और उससे भी पहले उस पौधे को घर से बाहर फेंकना होगा, वरना जो हुआ वो। आइडिया, अरे अप्पू क्या आइडिया निकाला है तूने? अम्मा जी, मुझे बबल के लक्षण ठीक नहीं लग रहे, आज इच्छा की पूजा कर रहे हैं, कल मूर्ति बनवाएगा, परसों मंदिर बनवाएगा, फिर जगराता होगा, रात रात भजन कीर्तन होगा, बताओ। और उसी कीर्तन में मैं तुझे ढोलक बजाने जरूर बिठाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही दादी, माँ को तो ढोलक बजाना आता ही नहीं है। चुप कर। अप्पू ये हो गया तुझे, अभी थोड़ी देर पहले तो तू ठीक ठाक था, अब छिकता ही जा रहा है। अरे दादी पता नहीं जब से ये माला पहनी है तब से बस छीके आ रही है। दादी लगता है इस माला से मुझे एलर्जी हो गई है।
अरे मैंने भी तो पहन रखी है, मुझे तो कुछ ना हुआ। और कुछ हो भी नहीं सकता छोरे, ये माला सिर्फ सांप पर असर करती है, इंसानों पे ना। खड़क, इंसानों पे भी असर हो रहा है। ए माँ, इनको किसी दूसरी चीज से एलर्जी हुई होगी, ये माला एकदम ठीक ठाक है। रुक, अभी दिखाता हूँ। अरे क्या हुआ छोरे, चिल्ला क्यों रहा है तू? उंगली में हो रही है। हो ही नहीं सकता, अगर इस माला से छींक आती या खुजली होती तो मुझे भी तो होना चाहिए ना, मुझे तो कुछ ना हुआ। अरे लेकिन दादाजी, खुजली हो रही है। एक मिनट, ये माला क्या, मैं पूरा पौधा ही सूंघ के दिखाता हूँ, तब आप लोगों को यकीन आएगा। हो गया खड़क, तू ऐसे अजीब सा मुंह क्यों बना रहा है? कुछ ना मां, बस वैसे ही। अरे तुझे भी छींक आ रही है तो छींक ले। अरे ना ना, कुछ ना मां, मैं भी आया मां। दादी मुझे लगता है कि इनको भी एलर्जी हो गई है। मने लगता है अब उससे ही कह रहा है, इस माला से सबको छींके आ रही है, सबके सब गले में से निकाल के फेंक दो। सबल, ये पौधा भी घर के बाहर फेंक दे, जल्दी कर। यस, एक मिशन तो पूरा हो गया, वो पौधा और मालाएं दोनों घर से बाहर। बब्बल जी, थैंक यू। ये कमाल चाचू का नहीं मेरा है, आइडिया मेरा था। अब्बू, चलो तुम्हारा एक टेंशन खत्म हुआ, पहला मिशन पूरा हो चुका है। वो तो होना ही था, मेरे पति है ही उतने स्मार्ट। तेरे पति? मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। चलो अब अगला मिशन शुरू करते हैं। वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा लेकिन कैसे होगा बब्बल जी, आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है? तुम इच्छाधारी नागिन हो ना, किसी का भी रूप ले सकती हो। तो अपना हुनर दिखाओ भाई। मतलब मैं जिसका कहता हूँ उसका रूप लो। बेटा खड़ग। कौन है भाई, सोने दे। बेटा उठो। आप कौन हो जी? मैं तेरा पिता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आज तक माँ तो किसी और की फोटो दिखाती आई है। मैं तेरे पिछले जन्म का पिता हूँ।
देखे, आप आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे आप पिताजी, पिताजी अब छोड़ के मत जाना मुझे, कैसे दिन काटे मैंने पिता।